फ्रेंड्स नमस्ते, आप सबका स्वागत है कुकिंग विद। और आज हम बनाने जा रहे हैं डोमिनोज का जिंगी पार्सले। और उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है 1.5 कप पानी, जो वार्म वाटर है। इसको हम बाउल में डालेंगे। और 2 शुगर है, ये मैंने थोड़ा सा इसको ग्राइंड कर लिया है, तो ये 2 हम ऐड करेंगे इसमें। और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। बाद में ये 1 टेबलस्पून यीस्ट है, ये हम ऐड करेंगे इसमें। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए फॉर्मिंग के लिए हम छोड़ देंगे। और फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि ये इसमें फॉर्मिंग होनी चाहिए। अगर ये नहीं हो रही है तो उसका मतलब आप इसको जिंगी पार्सल बनाने के लिए जो आटे के लिए जो सामग्री चाहिए, हमें 1.5 कप मैदा चाहिए, 1.5 कप दूध चाहिए, 1 चम्मच सॉल्ट है, 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट है, और जो फॉर्मिंग के लिए जो हमने पहले ही यीस्ट को फॉर्मिंग करने के लिए रखा है उसी से हम गूंदेंगे। वैसे इसमें हम लोग मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, बट मिल्क पाउडर नहीं है तो आप गुनगुने दूध का यूज़ करेंगे। आइए पार्सल का आटा गूंद लेते हैं। उसके लिए जो ये गार्लिक है इसको हम इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। उसके बाद ये सॉल्ट है जो 1 टेबल स्पून है, इसको ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। और ये जो यीस्ट वाला पानी है इसको धीरे धीरे इसको हम ऐड करेंगे। और फ्रेंड, ये इस तरीके से थोड़ा स्टिकी स्टिकी जो है इसका जो है हम ये आटा गूंद लेंगे। थोड़ा सा इस तरीके से होना चाहिए ताकि इसका ग्लूटेन अलग हो जाए। देख रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से ही हमें इसको गूंदना है। ओके, इसमें 2 टेबलस्पून ये आटा लगा के इसको आप थोड़ी देर आप ढक के रख दीजिए, 10 मिनट रेस्ट के लिए आप रख दीजिए। जिंगी पार्सल के लिए जो सॉस है वो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स हैं, ये 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल है, 6 ये गार्लिक की क्लॉव्स हैं, 1 कटोरी हरा धनिया है, 2 टेबलस्पून लेमन जूस है, 7 से 8 रेड चिलीज हैं और 1 टेबलस्पून जीरा है। इन सबको आप मिक्सर में ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लीजिए। ये फ्रेंड्स, इस तरीके से ये पेस्ट तैयार हो जाएगा सॉस का। आप उसमें थोड़ा सा ये सॉल्ट अपने टेस्ट अनुसार, और ये 2 टेबलस्पून आप ये मेयोनीज हैं, आप मेयोनीज ऐड करके इन तीनों को मिक्स करके आप एक सॉस तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये बन के कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा जब हम तीनों को मिलाएंगे, मेयोनीज को और सॉस को, ग्रीन वाला जो मैंने तैयार किया और सॉल्ट को। इस तरीके से कुछ बन जाएगा और उसके बाद में हम तैयारी करेंगे। फ्रेंड्स, अब जो उसके अंदर जिंगी के अंदर जो पार्सल के अंदर जो वो लगेगी, फीलिंग लगेगी, उसके लिए पनीर लिया है मैंने। ये 100 ग्राम का करीब पनीर है, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। ये 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी है, टेस्ट अनुसार आप सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच ये मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, थोड़ी सी लाल मिर्च है 1/2 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून ही गरम मसाला है। इन सबको अब अच्छे से इसके अंदर स्प्रिंकल करेंगे। और हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स करना है ताकि पनीर जो है वो अलग ना हो। इस तरीके से हल्के हाथों से करके मिक्स कर लेंगे।
तब तक ये सेट हो जाए मसाला, उसके लिए हम 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। फ्रेंड्स अब गैस की ऑन करेंगे, 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालेंगे। जो पनीर मैंने मैरिनेट करके रखा था इसको इसमें डाल के थोड़ा सोते करेंगे। और इसको बस हम 2-3 मिनट तक ही पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं करना है इसको, नहीं तो पनीर सारा टूट जाएगा। इतना ठीक है, और गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। सबसे पहले जो हमने डो लगाया था, अब उसके ये सेट हो चुका है, अब हम इसको बेलते हैं और इसकी जो है इसके अंदर हम स्टफिंग जो है फिलिंग जो है डालते हैं और इसको तैयार करते हैं। अब देखते रहिए कैसे करूँगी। अपने सरफेस को अच्छे से क्लीन कर लें जहाँ पे आपको ये बेलना है, और ये मैंने मकई का आटा जो थोड़ा सा डाला है ये हेल्प करेगा हमारी इसको बेलने के लिए। और इस तरीके से इसको निकाल कर तो एक बार फिर हम इस तरीके से इसको करते हैं, और हल्के ही हाथों से, ज़्यादा इसको दबाना नहीं है, इसके इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। और इसको इस तरीके से बेल लेना है इसे। और अब इसके हम जो हैं जितने भी हमने पीसेस बनाने हैं, ट्रायंगल शेप चाहिए एक्चुअली में हमें, तो उसके लिए मैं नाइफ से इसमें जो है कट लगाती हूँ। और इस तरीके से एक जो है हम कट लगा लेंगे इनके जिसके चारों तरफ में, और एक ट्रायंगल शेप हम तैयार हो जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया था कि पहले इसमें जो है ये सॉस जो हमने तैयार की थी, ये सॉस लगाएंगे इसके चारों तरफ ऐसे, ज़्यादा भी नहीं लगाना है क्योंकि फिर बाहर आएगा। और उसके बाद में ये जो पनीर की स्टफिंग जो मैंने तैयार करी थी उसको डालेंगे यहाँ पे, 2 पीस बहुत है, थोड़ा और हाफ से डाल सकते हैं। और मोज़रेला चीज़ ये मैंने क्रश किया है, इसको थोड़ा सा डाल देंगे ऊपर से इस तरीके से। और सबसे ज़रूरी बात जो है ये पानी, थोड़ा सा इसको लॉक करने के लिए थोड़ा थोड़ा हम यहाँ साइडों में इस तरीके से ऐसे करके लगाएंगे, और यहाँ से इसको इसको इस तरीके से बंद करेंगे, और यहाँ से इसको इस तरीके से इसको क्लोज करके इस तरीके से। एक बार फिर दिखा देती हूँ, इस तरीके से ये लेके इसमें पहले सॉस लगाएंगे हम, उसके बाद में पनीर का स्टफिंग डालेंगे। और थोड़ा सा एक चीज और पानी थोड़ा सा लगा के चारों तरफ से इसको, तीनों तरफ से सॉरी, इसको इस तरीके से हम क्लोज कर देंगे, और इसको ये यहीं पे ऐसे करके लॉक कर देंगे। और इस तरीके से सारे पार्सल्स बना के तैयार कर लीजिए, और अब हम माइक्रोवेव या ओवन जो भी आपके पास में हो आप उसमें जो है इसको बेक करें। ओवन में रखने से पहले हम थोड़ा सा इसको ऑयलिंग कर लेते हैं बटर से,
मेरे पास में ओवन नहीं है, मैं माइक्रोवेव कन्वेक्शन है मेरे पास में, तो मैं उसी में ही इसको 200 डिग्री में बेक करूंगी। ये मैंने इसको माइक्रोवेव में डाल दिया है और अभी वेट करेंगे इसका। फ्रेंड्स हमारे ये बेक हो चुके हैं और आप ये पूरी तरह तैयार हैं खाने के लिए। आप इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग या ऑरिगेनो डाल के ऊपर से छिड़क के आप इसको खा सकते हैं। थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।